सबका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले पल्सर F250 के बारे में। तो आज हम लोग पूरे बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन से लेकर इंजन तक और इसके परफॉर्मेंस, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिलेगी। शायद आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। और भाई देखो यार, इसका फ्रंट लुक मतलब इतना तगड़ा दिखता है। ये बाइक मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। मुझे बिलीव नहीं होता कि बजाज ने मतलब ऐसा काम किया हुआ इस बार। तो मैं YouTube पर वीडियो देखने के बाद मैं सीधा चले गया था शोरूम पर, और देखा भाई बाइक मुझे वहीं पर पसंद आ गई। और चले बातें करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। ये है इसकी विंडशील्ड, जो एक ब्लैक फिनिश दिया हुआ है इसको। यहाँ पर मिल जाते हैं हम लोगों को 2-way एडजस्टेबल मिरर, और इसकी भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो है नंबर प्लेट लगेगा, और ये जो है यहाँ पर बजाज का लोगो दिया हुआ है। ये बेसिकली कोई स्टिकर या कोई पेंट नहीं है, ये सीधा इसके ऊपर जो है डिज़ाइन किया हुआ है। तो मतलब चोरी होने का या ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ये वाला डिज़ाइन देखो, यहाँ पर रेड और वाइट कलर का स्टिकरिंग है। सेम वे इस साइड पर भी दिखेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कलर का फिनिश है, स्टिकरिंग है। और यहाँ पर ये सब मैटे डिज़ाइन है ये वाला पूरा। भाई अब आते हैं DRLs पर। तो भाई ये DRL जो है इतना ज़्यादा तगड़ा है, मतलब डे टाइम में भी ये बहुत तगड़ा दिखता है, जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिट से नहीं है। बहुत पावरफुल DRLs है, और डे टाइम में भी काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब ज़्यादातर बाइक्स में कैसा होता है कि भाई डे टाइम में जो है DRL जो है वो सही से दिखते नहीं है, सिर्फ नाइट टाइम में। लेकिन भाई इसका प्रेजेंस डे टाइम में भी बहुत तगड़ा है। मतलब एकदम दूर से भी अगर ये बाइक आ रही है ना, तो पता चलता है कि भाई कोई महंगी बाइक आ रही है। तो लिटरली कोई हद नहीं है उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत तगड़ी क्वालिटी है। इस बार बजाज ने इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और DRLs के साथ हम लोग को मिल जाते हैं एक टोटल LED प्रोजेक्टर सेटअप, और उसके आजू बाजू में मिल जाते हमें LED टर्न इंडिकेटर्स, और ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो स्मार्ट गार्ड की फिनिशिंग भी इतनी अच्छी दी हुई है, और है भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर है मैट फिनिश, और ये दो है ग्लॉसी स्टिकरिंग यहाँ पर वाइट और रेड कलर में जो मिल जाता है आपको। और ये दो अलग अलग पार्ट्स में मड गार्ड है ऐसा लगता है, जो काफ़ी प्रीमियम टच देता है इस बाइक पर। और यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS की जो है स्टिकरिंग मिल जाएगी, और ये है रिफ्लेक्टर्स, ये हमारे सस्पेंशन। तो इसका मडगार्ड जो है ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ तक एंड होता है। और अब चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो इसका साइड लुक एक बार देख लो। देखो भाई क्या तगड़ा दिख रहा है, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसके कैमरा व्यू पर मत जाओ। ये जो अभी आपको वीडियो में दिख रहा है शायद आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन भाई एक बार जो है इस बाइक को शोरूम में जाकर देखो, इसका टेस्ट राइड लो, आपको पता चलेगा इसका रोड प्रेजेंस क्या है और कितना तगड़ा। मतलब लोग आपको पलट कर देखेंगे ही देखेंगे, ये इतना तगड़ा बाइक है। आगे भी बहुत कुछ बताऊँगा इसके बारे में। अब चलते इसके रेयर व्यू की तरफ। ये देखो इसका रेयर व्यू, ये इसके टेल लाइट्स, न्यूली डिजाइन टेल लाइट्स, टोटल LED है। देखिए मैं पास से बताता हूँ आपको।
कितने तगड़े लग रहे हैं इसके टेल लाइट्स। अब जो टायर हगर का जो फिटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट साइड का ये दो जो बोल्ट है यहाँ पर लगता है टायर हगर, जो राइट साइड का है वो यहाँ पर फिट होता है, यहाँ से होते हुए ऐसा जाता है पूरा। और काफ़ी लंबा टायर हगर दिया हुआ है इस बार, मतलब लिटरली यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा टायर हगर दिया हुआ है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार बता दूंगा। और जो लेफ्ट साइड में उसका जो फिटिंग है वो डायरेक्टली यहाँ पर होता है, ये देखो, ये जो है ये सारे गार्ड है, और जो टायर हगर है वो इसके अंदर के साइड पर फिट होता है। मतलब अब अगर मुझे इस टायर हगर को फिट करना होगा तो मुझे सबसे पहले सारे गार्ड निकालना पड़ेगा, जिसके लिए तीन बोल्ट खोलने पड़ते हैं, ये एक दो और ये तीन। ये जो इसका कैप है मैंने कैसे भी करके निकाला, एक्चुअली मैंने इसको वो स्क्रू ड्राइवर्स की हेल्प से थोड़ा ऐसे खींच के निकाला था, ऐसे इतनी आसानी से निकलते नहीं। और वो रबर नहीं सॉरी ये जो इसके कैप्स है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मतलब इसमें भी बजाज ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इन दो बोल्ट्स पर फिट होता है लेफ्ट साइड पर, लेकिन पूरा उसके लिए सारी गार्ड निकालना ही पड़ेगा आपको टायर अगर फिट करने के लिए। तो ऐसा कुछ फिनिशिंग है इसका। तो भाई अब बात करते हैं इसके फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो यहाँ आपको मिलता है इंजन हिट का इंडिकेटर, ऑयल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लेफ्ट टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर आपको हाई बीम इंडिकेटर भी मिलेगा, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये है एनालॉग आरपीएम मीटर, और उसके बाजू में ऊपर की तरफ आपको मिलता है आरपीएम लाइट, एबीएस इंडिकेटर, और यहाँ पर राइट टर्न इंडिकेटर, और उसके बाजू में न्यूट्रल इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, उसके बाजू में स्पीडोमीटर और टाइम देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज मिलेगा, फिर ट्रिप वन, ट्रिप टू, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और सर्विस ड्यू भी यहाँ पर दिख जाता है। सर्विसिंग का टाइम आएगा तब जो है वहाँ पर एक छोटा सा एक वो पाना वाला जो इंडिकेटर होता है वो भी दिखाता है, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। और ये पूरा जो स्पीड मीटर है ये पूरा एक इन्फिनिटी डिस्प्ले कंपनी की तरफ से कहा गया है, टोटल बेजल लेस इन्फिनिटी डिस्प्ले। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो अब आते हैं इसके हैंडल बार्स के ऊपर। तो बेसिकली ये जो है क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, जो F250 में देखने को आपको मिल जाते हैं, N250 में आपको ऐसे हैंडल बार्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, यहाँ पर हेडलाइट स्विच है, और ये है सेल्फ स्टार्ट। और लेफ्ट साइड पर हमें मिल जाता है यहाँ पर हॉर्न, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर स्विच, हाई बीम, लो बीम, और ये है पास लाइट स्विच। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 14 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक एंड दैट्स ह्यूज। और यहाँ पर एक ब्लैक ग्लॉसी कलर का पूरा फिनिश दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टिकरिंग है सिल्वर मैटी कलर में, जो कि बहुत ही प्रीमियम टच दे रहा है और बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ जो है हमें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फाइबर पोर्शन है, और हार्ड फाइबर यूज़ किया हुआ है। मतलब ऐसा फाइबर नहीं है कि मतलब कुछ टाइम जाने के बाद वो खड़खड़ या फिर वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और वो वाइब्रेशन टोटली ख़त्म कर दिया बजाज ने इसमें, वो प्रॉब्लम टोटली निकल चुका है, मतलब आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर हमें जो है पल्सर की बैजिंग मिल जाती है, जो कि बहुत एक प्रीमियम टच दे रहा है। और ये और ऐसा वाला जो पल्सर लिखा हुआ है ना ये स्मोक्ड आउट में, ये सिर्फ ब्रुकलिन ब्लैक एडिशन में ही मिलेगा, बाकी किसी भी दूसरी कलर की F250 देख लो अभी उसमें कलर ऑप्शंस आते हैं, एक तो रेसिंग रेड कलर, एक टेक्नो ग्रे भी आता है, और एक अभी ब्लू कलर में भी आ रहा है। तो वहाँ पर आपको जो है पल्सर लिखा हुआ दिखेगा ना, ये पूरी तरह से सिल्वर और एकदम नॉर्मल सिल्वर कलर में आपको लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा जो ब्लैक डाउट जो ये फॉन्ट है ना ये सिर्फ आपको ब्रुकलिन ब्लैक एडिशन में ही देखने मिलेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। और कुछ ऐसा दिखता है साइड से, ये एक हाफ फेयरिंग वाली बाइक है। तो भाई अब बात करते हैं इसके सीट के बारे में। तो यार यहाँ पर हमें मिल जाता है स्प्लिट सीट सेटअप,
जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, और सिर्फ दिखने में ही नहीं भाई, इसका कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है। कुशनिंग यार देख लो, मतलब कितना अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। ये जो ड्राइवर का जो सीट है ना, राइडर सीट, काफ़ी मतलब बैठने में इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है मतलब कोई बड़ी बाइक पर बैठा हुआ हूँ मैं। और इतनी कंफर्टेबल सीट मतलब आपको शायद ही किसी बाइक पर दिखेगी। आप 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक्स देख लो या फिर 250 सीसी की भी बाइक्स देख लो, आपको किसी भी बाइक में इतना अच्छा और प्रीमियम सीट आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। इतना प्रीमियम टच कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ टच ही नहीं लेकिन कुशनिंग भी। और यहाँ पर मिल जाता है पल्सर का ब्रांडिंग, और पिलियन सीट की भी कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं पहला ऐसा बाइक देख रहा हूँ जो 200 या 250 सीसी की सेगमेंट भी और उससे ऊपर की सेगमेंट की भी बाइक्स देख लो, 300, 350, वहाँ पर दिखाने के लिए सीट दे दी जाती है कि हाँ भाई हम सीट दे रहे हैं, लेकिन इतना कंफर्ट पर काम कभी दिखता ही नहीं। मतलब एकदम बेकार सीट रहती है, मैं सीधा बोलता हूँ, बहुत ही बेकार सीट रहती है। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी वालों ने एकदम तगड़ी सीट लगाई हुई है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब सुपर 5 out of 5। और आपको जो है यहाँ पर पीछे की तरफ जो है ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, और ये ऐसे सेम आपको डोमिनार में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो दिस इज ऑल न्यू डिज़ाइन 249 cc फ्यूल इंजेक्टेड 4-stroke ट्विन स्पार्क एंड DTSI टेक्नोलॉजी इंजन विच विल प्रोड्यूस 24.5 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 21 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पर पावर की कोई कमी नहीं, और बाय बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन बाय बजाज पल्सर, अब तक का सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है बाय, बहुत स्मूथ है। मतलब इनिशियल, मिड रेंज और टॉप एंड, भाई इन तीनों जगह पर ये इंजन बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करता है। और फुटपैक्स पे भी जो वाइब्रेशन आता है ना, वो नॉर्मली फुटपैक्स पे एकदम माइनर आता है, एकदम 1% के जितना, उससे ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें है ही नहीं। मतलब वाइब्रेशन ना के बराबर ना, वाइब्रेशन है ही नहीं ऐसा बोल दो चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन, और ऐसा इंजन मैंने आज तक कभी बजाज पल्सर में कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैंने इसके पहले पल्सर चलाई हुई है, लेकिन पुरानी पल्सर में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन था, खड़खड़ खड़खड़ वाला आवाज़। तो यहाँ पर फिट एंड फिनिश में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर जगह पे इतना अच्छा फिट एंड फिनिश किया हुआ है कि मतलब वाइब्रेशन का तो कोई इशू ही नहीं आएगा। बहुत ही तगड़ा इंजन है भाई, बहुत ज़्यादा रिफंड, मोस्ट रिफंड इंजन टिल नाउ, बहुत अच्छा इंजन है। और भगाते टाइम भी ऐसा नहीं लगता, मतलब अभी मैं 85-90 पर भी क्रूज़ कर रहा हूँ तो भाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इंजन स्ट्रगल ही नहीं करता है थोड़ा भी। मान लो अभी मुझे किसी कार को या किसी ट्रक को भी ओवरटेक करना है, तो ज़्यादातर पहले के पल्सरों में भी क्या होता था, गियर कम करना पड़ता था, एक गियर उतारना ही पड़ता था, तब जाके आप जो है एकदम पिकअप पकड़ के आप जो है फटक से जो है ओवरटेक ले सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉप गियर में भी आपका स्पीड थोड़ा कम है और अगर आपको ऐसा ओवरटेक करना है, इंस्टेंट ओवरटेक करना है या इंस्टेंट आपको पावर चाहिए, तो भाई बस थ्रॉटल दो और निकल लो। मतलब इसका टैगलाइन मैं यही दूंगा, जस्ट गिव थ्रॉटल एंड डिसअपियर, बस और ही करना, गियर उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छा है। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा इस बाइक को खरीदने के बाद, इसकी गारंटी है। यहाँ पर आपको हीटिंग वाला कोई इशू नहीं आने वाला, मतलब इंजन हीटिंग का इशू सिर्फ 500 किलोमीटर तक रहता है, और वो तो मुझे शोरूम वाले ने भी बता दिया था कि फर्स्ट सर्विस तक जो है, फर्स्ट सर्विस आने तक आपकी बाइक का जो इंजन है वो हीट होगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। फर्स्ट सर्विस के बाद वो टोटली हट गया, टोटल ख़त्म हो गया वो, अभी हीटिंग इशू थोड़ा भी नहीं है। यहाँ पर जो है ऑयल का लेवल बताएगा, और इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये है इंजन गार्ड, क्योंकि ठीक ठाक क्वालिटी का ही है, इतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जो आपको हॉर्न मिल जाता है, और यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक इंजन काउल भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है इस बाइक पर। यहाँ पर भी उसी तरह से दिया हुआ, मतलब दो पार्ट्स लगे हुए ऐसा दिखता है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठाया और लगा दिया। वो अपाचे में आपने देखा ही होगा कि भाई वहाँ पर जो, और
उसमें भी काउल जैसा दिया हुआ है सिर्फ ऐसा, लेकिन वो भी पूरा इनकम्प्लीट डिजाइन लगता है। इधर से एक ऐसा निकाला हुआ है और लेफ्ट साइड से एक ऐसा निकाला हुआ है, बाकी बीच में फिटिंग विटिंग कुछ नहीं है, मतलब टोटल इनकम्प्लीट डिजाइन लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि इन लोगों ने जो है फिनिशिंग में मतलब सही से काम किया है नहीं किया, कभी कभी समझ में नहीं आता है। ये टोटल एकदम एंड टू एंड एकदम अच्छे से इसको फिनिशिंग दिया हुआ है, मतलब वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस बाइक पर। तो ये है पल्सर डीएनए वाला इंजन, ऑल न्यू डिज़ाइंड, डीटीएसआई टेक्नोलॉजी। तो भाई कंपनी का कहना है कि ये बाइक जो है आपको 37 का माइलेज आराम से निकाल कर दे देगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे माइलेज मिल रहा है वो है 35 का, और वो भी 250 सीसी की सेगमेंट के हिसाब से नॉट अ बैड माइलेज, बहुत ही अच्छा फिगर्स है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा, अगर मैं एक्चुअली मेरा ड्राइविंग कैसा है कि मैं डिसेंट वे में भी चला दो और भगाता मैं वहीं पर हूँ, मतलब जहाँ पर खुला रोड हो वहाँ पे धीरे 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 भगाना स्टार्ट करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से एक्सीलरेट दे दिया और मतलब चलते बनो, अगर ऐसा करोगे तो भाई माइलेज ड्रॉप और भी ज़्यादा होगा। मैं सही में बोल रहा हूँ, माइलेज और भी ज़्यादा गिर सकता है, नहीं गिरेगा ही गिरेगा। और अगर ट्रैफिक में आप हो तो एकदम प्यार से चलाओ, एकदम डिसेंटली निकालो, और बार बार आप, क्योंकि ट्रैफिक में कैसा होता है कि शॉर्ट टाइम डिस्टेंस के लिए जो है आप जो एक्सीलरेट करते हो, पावर ऑलरेडी बाइक में बहुत ज़्यादा है और वो अचानक से एकदम से निकलता है। बाइक 250 सीसी की बाइक है, वापस से आप ब्रेक लेते हो और वो मतलब होता कि वो पूरा स्पीड वहीं पर टूट जाता है, उसकी वजह से माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो ट्रैफिक में होते हो तभी एकदम डिसेंटली चलाओ, खुले रोड पर भगाओ, लेकिन इतना भी ओवर स्पीडिंग मत करो भाई। और सिटी के अंडर में मैं आपको एक RPM बता देता हूँ, उतने RPM पर चलाया करो तो एकदम डिसेंटली आप चलाओगे, अच्छा एवरेज भी निकलेगा। सिटी के अंदर आप चलाते हो तो 3,500 से 4,000 RPM तक का लिमिट बहुत हो गया, मतलब 3,500 RPM से लेकर 4,000 RPM तक, इतने RPM में आपका सिटी में काम हो जाता है, और इतने RPM पर ही सिटी में चलाया करो, इससे ज़्यादा स्पीड पर लेकर मत जाओ, क्योंकि इनफ हो गया, आपको इससे ज़्यादा RPM की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई अगर खुला रोड भी है तो भाई उतने ज़्यादा RPM पर जाओ मत, क्या ज़रूरत ही क्या है, मतलब इतना मतलब टॉप एंड रश करने में आपको किस बात की इतनी खाई है कि आपको जो है टॉप एंड में आपको जो है इतना भगाना पड़ रहा है, ज़रूरत ही नहीं है ना। हाईवेज पर भी जाते हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 RPM भी बहुत हो गया, 5,500 RPM या फिर 6,000 RPM मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा जाने की मैं तो कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इतने RPM पर रहोगे तो आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो भाई अब सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ईयरफोन्स यूज़ करो, इसका जो बेजी साउंड जो है ना वो आपको ईयरफोन्स में समझ में आएगा और सुनने में भी वो बहुत अच्छे से आएगा, पता चलेगा कैसा इसका बेजी साउंड है। देन लेट्स गो। कितना बेसी साउंड है, तो मैं आपको दूर से भी दिखाता हूँ इसका साउंड कहाँ तक आता है, एकदम क्लियर आता है। मैं इतना दूर निकल गया हूँ फिर भी मुझे इसका साउंड एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है, और दूर जा रहा हूँ अभी भी इसका साउंड का जो बेस है वो कम ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से दिखाता हूँ इसको, थोड़ा थ्रॉटल देते हैं इसको, देख रहे हो कितना सेटिस्फाइंग लगता है, मतलब जो सीटी मारता है धीरे धीरे वो इतना अच्छा लगता है ना सुनने को, उससे ज़्यादा प्रीमियम इस बाइक में कुछ लगता ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम साउंड करता है बाइक। तो अब सुनो, we'll be right back.
अब दूर से सुनो इसका एग्जॉस्ट नोट। तो भाई अब बात करते हैं इसके गियरबॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर इसका गियरबॉक्स भी जो है बहुत ही स्मूथ हो गया पहले से, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, एकदम नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर मिलता है 5-स्पीड गियरबॉक्स और हमें साथ साथ में मिलता है स्लीपर असिस्ट क्लच, तो उसकी वजह से एग्रेसिव डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट जो है एकदम आसानी से हो सकता है, कोई बिना किसी टेंशन के, मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेता और थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करता है बाइक। इसका गियरबॉक्स थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करता, मतलब खड़खड़ खड़खड़ वाला आवाज़ पूरी तरह से हट गया है। मतलब अगर मैं लोअर स्पीड्स पर अगर मैं किसी बम्पर को पास करूँ, किसी स्पीड ब्रेकर को पास करता हूँ और सीधा एक्सेलरेट कर देता हूँ हल्का सा भी, तो वहाँ पर भी वो बाइक स्ट्रगल नहीं करता, मतलब स्पीड पकड़ ही लेता ऑटोमेटिक। और ऐसा अगर मुझे किसी बाइक को अगर ऐसे किसी व्हीकल को अगर ऐसे ओवरटेक करना है मुझे, तो मुझे इसके लिए डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं टॉप गियर में भी हूँ तो भी ऑटोमेटिक ये बाइक जो एकदम स्मूथ मैनर में जो किसी भी व्हीकल को ओवरटेक कर जाती है, तो ये यहाँ पर मुझे ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है। और टूरिंग में कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई हाँ यहाँ पर छठा गियर जो है होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के बारे में अगर आप सोचोगे तो भाई यहाँ पर 6th गियर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई आँख बंद करके इस बाइक को ख़रीद लो, आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला, गारंटी से बोलता हूँ। ये बाइक आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, पैसा वसूल बाइक है ये। तो भाई इसका बैक साइड जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जो है हमें टेल लाइट्स मिलते हैं, न्यूली डिज़ाइन टेल लाइट्स, बहुत ही तगड़ी दिखती है ये और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ पर लाइट भी मिलते हैं नंबर प्लेट की। ये नंबर प्लेट की जो लाइट है वो रात को चालू होगी जब आप हेडलाइट को ऑन करोगे। और यहाँ पर जो है हगर लगेगा, एक्चुअली अभी बारिश का टाइम गया हुआ है तो मैंने हगर को निकाल दिया, अगर पॉसिबल हो तो मैं वीडियो के एंड में एक बार दिखा दूंगा। तो भाई अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं MRF नाइलो ग्रिप जैपर ट्यूबलेस टायर्स, और फ्रंट में हम लोगों को मिल जाता है 100x80 सेक्शन का टायर। और इसके एलॉयज देखिए, यहाँ पर आपको जो है वाइट और रेड कलर की स्टिकरिंग मिल जाएगी, और सेम आपको पीछे के टायर पर भी देखने को मिल जाता है। और पीछे के टायर की साइज है 130x70, और एज इट इज़ पीछे की तरफ यहाँ पर आपको जो है सेम स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाती है जो आपको फ्रंट साइड में दिखेगी। तो ऐसे कुछ है इसके टायर्स के बारे में। और यहाँ जो एलॉयज यूज़ किए हुए हैं ये भी बहुत ही तगड़े क्वालिटी के, मतलब जो पहले जो एलॉयज ऐसे यूज़ होते थे उससे ये 1 kg लाइटर है, मतलब ये थोड़े से उससे वेट में कम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, और उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के है। तो भाई अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ग्रीमेका के ब्रेक्स विद डुअल चैनल ABS, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो फ्रंट डिस्क जो हमें मिलते हैं वो है 300mm की, और जो रियर डिस्क जो है वो हमें मिल जाती है 230mm की। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग इन दिस सेगमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट ब्रेकिंग। मतलब आप अपाचे 200 भी देखोगे ना, अपाचे 200 4V, तो वहाँ पर भी जो है आपको इतना पैसा डालने के बाद जो है आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, मतलब ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पर कि आप डुअल चैनल ABS खरीदो। तो और मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप इस बाइक को देखने जाओगे ना तो आप डुअल चैनल वेरियंट की तरफ ही जाओ, सिंगल सिर्फ 4-5 हज़ार का ही फ़र्क है। अब वो 4-5 हज़ार बचाने के लिए आप लोग जो है ये एक सिंगल चैनल ABS वाला वेरियंट लेकर आ जाओगे,
यार देखो 250 cc का बाइक है, मतलब ऑफकोर्स बंदा इसको भगाने ही वाला है, बिना भगाए रहेगा नहीं। अगर आप स्पीड को इतना प्रायोरिटी देते हो ना, तो प्लीज़ एक बार ब्रेकिंग को भी प्रायोरिटी दो, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब एग्रेसिव ब्रेकिंग करने पर भी इसका टायर जो है स्किट नहीं करता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है हाई स्पीड पर जाकर इसके ब्रेक्स को टेस्ट करना है, एकदम हाई स्पीड पर चले गए फिर अचानक से ब्रेक मार दिया, भाई ऐसा कुछ करो मत, क्योंकि हो सकता है आपका नसीब खराब हो तो भाई बाइक स्किड भी कर जाए, भरोसा नहीं। तो भाई जानबूझ के ये सब कुछ करो मत, और प्लीज़ सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। अगर आप स्पीड को प्रायोरिटी देते हो, पावर को प्रायोरिटी देते हो, तो एक बार सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दो। और साथ में यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, ये एक्चुअली बोलना रह गया, एल्यूमिनियम की जो है फुटरेस्ट देखने को मिल जाते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये यहाँ पर जो है ये टिकता नहीं, ये स्प्रिंग वाला है, ये ऊपर ऐसे टिक नहीं जाता, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मिलते हैं ब्रेक लीवर्स, और यहाँ पर आ जाता है हमारा सारी गार्ड, ये रहा इसके फुटरेस्ट। और यहाँ पर जो है मेन स्टैंड भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आजकल के 200 cc के भी कुछ कुछ बाइक्स में आप देखो, मेरे ख्याल से RS 200 में भी नहीं मिलता है, लेकिन वो ज़्यादातर तो जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि मान लो अभी किधर टायर किसी रीज़न से पंक्चर हो जाता है, तो बदलने के टाइम पे यार इतना मतलब इरिटेटिंग लगता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। फिर बाइक को ऐसा टेढ़ा करो, फिर जो है टायर बदलो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो भाई अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट में हमें मिल जाता है 37mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और मतलब इसका जो सेटिंग है ये एकदम बैलेंस्ड सेटिंग है। मैं ऐसा कोई परसेंटेज नहीं बताऊंगा कि इतना परसेंट सॉफ्टर साइड पर है, इतना परसेंट हार्डर साइड पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही स्मूथ फील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है। मतलब जब बाइक एक्चुअली जब ऐसा पॉट होल से जब गुजरता है ना, तो फील ही नहीं होता है कि भाई आगे कोई ऐसा कोई पॉट होल था, गड्ढा था, कुछ पता ही नहीं चलता, बहुत स्मूथली निकलता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स, और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसके कंफर्ट के लिए। मतलब मुझे कभी कभी लिटरली ऐसे ही लगता है कि भाई मैं जो है फ्लाइट पर ही बैठा हुआ हूँ, तो मतलब कोई प्लेन ही उड़ा रहा हो ऐसा एज सच, जब भी मैं ऐसा रास्ते पर चलता हूँ, मतलब इतना स्मूथ है। और मैं जब ब्रेक्स भी लगाता हूँ ना, तो सस्पेंशन भी उसके साथ में इतने अच्छे से काम करते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा भी ऐसा जर्क फील नहीं होता है कि मैंने ब्रेक लगाया या फिर किसी गड्ढे में गया, मुझे पता ही नहीं चलता है। और राइडर को तो पता ही नहीं चलेगा, ये सीट भी एक तो इतना कंफर्टेबल दिया हुआ है, उसकी वजह से कुछ भी पता नहीं चलता है। और बात करूँ फ्रंट के सस्पेंशन की, तो भाई मतलब ब्रेक करने पर अभी ज़्यादातर बाइक्स में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक दबाओ ना, तो वो एक एग्रेसिव डाइव जैसा लेता है, एक नोज डाइविंग बोलते हैं ना उस टाइप का, एकदम नोज डाइविंग लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेक मारने पर हल्का सा नीचे जरूर जाता है, लेकिन इतना स्मूथ लगता है वो, पूरा एकदम ऐसा एयर जैसा लगता है, नीचे जाता है फिर से ऊपर आ जाता है, और इतना बटर स्मूथ लगता है वो, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि भाई आपने ब्रेक थोड़ा जो है वो थोड़ा ज़ोर से दबाया, वो पता ही नहीं चलता है यहाँ पर, इतना स्मूथ है और इतना अच्छा है। और ब्रेकिंग के साथ सस्पेंशन का ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है, मतलब बहुत मज़ा आता है चलाने में। इसलिए कह रहा हूँ इस बाइक को ऐसे जज मत करो, एक बार जाकर शोरूम में जाओ, अपॉइंटमेंट बुक करो और टेस्ट राइड लेकर देखो, बहुत ही मज़ा आएगा, आई एम डैम श्योर ये बाइक आपका पैसा वसूल लगने वाला है। और सस्पेंशन की वजह से इस बाइक का स्टेबिलिटी इतना अच्छा है, मतलब मैं जब भी मैंने एक्चुअली 70-80 के स्पीड पर इस बाइक को हाईवे पर लीन भी किया हुआ था, मतलब पूरा ऐसा लीन नहीं, एक नॉर्मली मुझसे जितना लीन हो सकता है मैंने उतना किया, हल्का हल्का किया, लेकिन उतना भी करने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं, बाइक को ऐसा बेंड करने में, फ्लिक करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं लगता। और ट्रैफिक में तो मुझे मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता है कि भाई इस बाइक का वेट 164 kg है, फील ही नहीं होता है, मतलब एकदम आसानी से फ्लिक हो जाता है, एकदम ऐसे 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 करके मैं तो ऐसा पास करके सीधा निकल जाता हूँ बाहर।
बहुत मज़ा आता है, और जो है इसके सस्पेंशन की वजह से और भी ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में। तो भाई इस बाइक का जो वेट है वो है 164 kgs। इस बाइक का जो वेट है ना वो यार फील ही नहीं होता है चलाते टाइम, मतलब इतनी आसानी से लीन हो जाता है, फ्लिक होता है, बहुत ही इजी टू राइड है, फन टू राइड मोटरसाइकिल है, मतलब बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी वजह से शायद नीचे टकरा सकता है, लेकिन भाई एज सच मुझे अब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है और अब तक ऐसा कुछ टच भी नहीं हुआ है नीचे। और इसकी जो सैडल हाइट है वो है 795 mm। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के एंड में अगर पॉसिबल हो तो इसका टायर अगर दिखाऊंगा तो ये है इसका टायर, अगर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का दिया हुआ है, एक बार नीचे रख के दिखाता हूँ। ये देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी का, काफ़ी तगड़ा है दिया हुआ है। और पहले ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे कि भाई हिलता डुलता था बाइक चलाते वक्त, लेकिन ये बहुत ही हार्ड क्वालिटी का बना हुआ है। देखो इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे फिट होता है यहाँ पर। ये देखो इधर से यहाँ पर ऐसे फिट होगा और ये यहाँ पर इन दो बोल्ट्स के अंदर जाएगा। ये ऊपर वाले जो दो बोल्ट्स आपको दिख रहे हैं सारी गार्ड के, वहाँ पर वो फिट होगा। तो ऐसा कुछ है इसका टायर अगर। और भाई बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब एकदम पैसा वसूल बाइक बना है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर इस बाइक को लॉन्च किया हुआ है। इससे अच्छी प्राइस में आपको 250 cc की कोई मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। सो गाइस आई होप आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपके जो भी क्वेरीज है परफॉर्मेंस को लेकर, माइलेज को लेकर, किसी भी प्रकार की क्वेरी है सीधा कमेंट बॉक्स में डालो कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो आप अपनी F250 या N250 में, शायद पॉसिबल हो सके तो उसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग अभी नई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी शेयर करो जो लोग 200 cc के सेगमेंट्स की बाइक देख रहे हैं। क्योंकि मेरा ये कहना है कि 200 cc में आप जो है 2-2.25 lakh तक डालोगे, उससे अच्छा आप एक बार 250 cc की ये पल्सर देख लो, F250 या N250 250 सीरीज़ की ये दोनों बाइक एक बार आप देख लो, क्योंकि आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 200 cc की बाइक जितनी कॉस्ट करती है ये उतना ही सेम कॉस्ट करता है, ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अपाचे और इसमें ज़्यादा कोई इतना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपाचे कंसिडर करने से अच्छा ये बाइक खरीदो, ये उससे ज़्यादा तेज़ भागेगा, उससे ज़्यादा पावर देगा और मज़ा आएगा। फन टू राइड मोटरसाइकिल है, पैसा वसूल है, आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और एंड में सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन दबाने के बाद जो है वहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगा, वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।